आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशिया। मेरा नाम शासिल लुईस है और मैं आज एक बार फिर से अपने तोरा पारशा के ऊपर बात करने लगी हूँ। पिछली दफा हमने पारशा बिमिदबार के ऊपर बात की थी, जो कि गिनती की किताब का पहला तोरा पारशा है। वो जो कि मुझे नहीं जानते हैं, जिनको नहीं इल्म है कि तोरा पारशा क्या है, सो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं वो www.backtotora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे ज्वाइन कर सकें। आज का जो तोरा पारशा है वो पारशा बिमिदबार के बाद का पारशा है, जिसका नाम है पारशा नासो। नासो से मुराद जो है है कि ऊंचा करना या बुलंद करना या उठाना। सो मैं आपको जो कलाम मुकद्दस में से जो वो हवाला जात दे देती हूँ कि आप अपनी स्टडी के लिए जो है वो खुद पढ़ सकें। तोरेत में से जो है आप गिनती की किताब में से चौथे बाब की 21वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 79 आयत तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में बताती चलूँ, नंबर्स चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 21 टू चैप्टर 7 अप टू वर्स 89। हाफ्तारा में जो है इंकजात 13 बाब दूसरी आयत से लेकर 25वीं आयत तक, जजेस चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 2 टू 25, ब्रत खदाशा में जो है योहन्ना की अंजील 12 बाब 20वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक, और कुछ मिसयानिक यहूदी जो है वो अमाल के 21वें बाब की 17 से 26 आयात को भी पढ़ते हैं। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 20 टू 36 एंड एक्ट्स चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 17 टू 26। सो ये वो हवाला जाते हैं जो कि आप जो है वो कलाम मुकद्दस में से जो है वो खुद पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले जो तोरा पारशा जो था उसमें पढ़ा था कि कैसे खुदावंद ने जो था मूसा नबी को जो था वो एक तरह से मर्दम शुमारी का कहा था कि वो नामों को जो है वो गिने बनी इसराइल के उनके जो नामों को जो था वो गिना गया था। और इसमें भी जो है वो बेसिकली हम वही एक तरह से नामों को ही गिनने का पढ़ रहे हैं, मगर ये है कि जो बेसिकली जो है लावी के कबीले के जो है उनको चार ग्रोह में तकसीम किया गया था। और फिर 30 बरस से जो था 50 बरस की उम्र तक के लोगों को जो था वो गिना गया था। जो गिनने के लिए जो अबरानी में लफ्ज है वो बेसिकली जो है वो सफर भी हो सकता है कि आप यानी कि नासो जो है वो उसका उससे मुराद जो है वो गिनना नहीं है, मगर यहाँ पर जो है वो जिस माने में इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद जो है वो यही निकल रही है कि वो गिनना जा रहा है। हालांकि उसका माने जो है वो फर्क माने है, जैसे कि मैंने बताया कि बुलंद करने का माने आ रहा है, ऊंचा करने का माने आ रहा है। और ये जो लफ्ज जो है ये इसके और भी बहुत से माने हैं, जो कि अगर आप जो है वो स्ट्रॉन्ग को यूज करना जानते हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप वहां पर जो है इसके माने को जो है वो देख लें कि कैसे इसके और भी बहुत से माने हैं, मगर यहाँ पर खास जो है जो माने जो बन रहा है वो बुलंद करना है या ऊंचा करना है। और पारशा नासो जो है बेसिकली अबरानी कलाम मुकद्दस का जो है वो सबसे लंबा तोरा पारशा है,
अगर आप इस तोरा पार्शा को जो है वो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अच्छा लावियों के कबीले की बात हो रही है। फिर बीच में जो है अगर बीवी की बेवफाई का जिक्र आ रहा है कि अगर उसका शोहर को जो है वो शक है तो वो कैसे जो है वो अपने शक को दूर कर सकता है। और वो खास इम्तिहान जो है वो क्या है। फिर नजीर की मिन्नत आ जाती है। नाजराइट वाव उसका जिक्र है। और फिर गिनती का जो छठा बाब जो है उसमें जो है हारून और उनके बेटों को जो है वो खुदावन ने खास हिदायत दी थी कि कैसे जो है बनी इसराइल को उन्होंने जो है वो खुदावन के पाक नाम में जो है वो बरकत देनी है। तोरा पारशा जो है वो अच्छा खासा लंबा और उसमें आई मीन इतनी ज्यादा बातें डिस्कस करने के लिए। मेरे लिए जो था एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि तमाम के तमाम जो चैप्टर्स हैं और जो उनमें हुक्म है आई मीन उनमें सीखने को जो है वो बहुत कुछ है। मगर मेरे जहन में जो था ऐसी तोरा पारशा नासो के माने को सोचकर मेरे जहन में आ रहा था कि कैसे बुलंद करना ऊंचा करना राइट के मसीह के बारे में भी जब हम सोचते हैं कि मसीह को जो था मसीह ने अपने बारे में जो था वो कहा के वैसे ही इब्ने आदम जो है वो ऊंचा किया जाएगा राइट। मेरे जहन में जो था बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात जो थे वो चल रहे थे और मैंने जो था वो यही मुनासिब समझा कि मैं बिरकात कोहिनीम के ऊपर बात करूं। बिरकात कोहिनीम जो है ये बेसिकली जो है वो खास बरकत की दुआ है जो कि खुदावन ने हारून को बुजुर्ग हारून को और उनके बेटों को जो कि काहिन है इसलिए इसको बिरकात कोहिनीम बोला जाता है। कोहिनीम जो है वो उर्दू में जो है वो काहिनों बन जाएगा यानी कि जमा आ जाएगी लेकिन इससे कोहिन से मुराद जो है वो काहिन है। बरकात से मुराद आप समझ पा रहे हैं कि बरकत है। ये जो जो बरकत की दुआ देने का जो हुक्म जो था कि खुदावंद ने जो था वो खास खास जिम्मेदारी जो थी वो बुजुर्ग हारून को और उनके बेटों को यानी कि उनकी नस्ल को दी थी कि वो काहिन होने के नाते जो है आगे जो है वो बनी इसराइल को जो है वो खुदावन के नाम में जो है वो बरकत देंगे। टॉपिक जो है ये बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बिरकात कोहेनीम जो है वो उर्दू कलाम मुकद्दस हो गया इंग्लिश हो गया अगर आप कोई भी तर्जमा पढ़ने की करेंगे तो आपको जो है वो उसके लफ्जों की जो तादाद जो है वो बड़ी मुख्तलिफ मिलेगी। फिर ना सिर्फ ये कि जिस तरह से आयत को जो है इब्रानी कलाम में लिखा गया हुआ है उसका पैटर्न भी जो है वो जिस तरह से है यानी कि अबरानी कलाम में जो है ये इस बरकत के जो है वो 15 लफ्ज हैं और जो पहली जो आयत है उसमें 15 हरूफ हैं फिर 20 हैं फिर 25 हैं। इस तरह से जो है वो इसको डिवाइड किया गया हुआ है और फिर उसका अपना एक पैटर्न है। जो यहूदी उलमा है उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा यानी कि एक ना सिर्फ इंटरेस्टिंग टॉपिक है बल्कि उनकी जो जो इसके ऊपर सिर्फ बरकात कोहिनीम के ऊपर जो स्टडी भी जो है वो भी बड़ी शानदार सी है। मुझे जो था मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा था और मैं जब बरकात कोहिनीम के बारे में सोचती हूँ कि कैसे जो है वो बरकात कोहिनीम जो है वो काहिनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि
काहिन जो है सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो बनी इसराइल को जो है वो बरकत दे सकते हैं। मैंने मेरा ख्याल में मैंने जरूर शबात की अपनी वीडियो में जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे मियाँ बीवी जो है वो जो जिस तरह से यहूदियों को जो तालीम दी जाती है तो उनको जो है वो बताया जाता है कि कैसे आप जो है वो अपने घर के जो है वो काहिन है। और बहुत सी जो यहूदी रवायात जिन जिन जो के जिनके बारे में जो हम अगर मुताला करने की करें तो वो उसके जो रूट जो है वो मैंने हमेशा से बताया है कि कैसे उसकी जो जड़ जो है वो कलाम मुकद्दस में दर्ज हैकल की खिदमत से जुड़ी हुई है और कैसे वो जो है वो उसी उसी ही बेसिकली मुझे ये नहीं पता कि मुझे पैटर्न बोलना चाहिए लेकिन ये है कि उसको जो है वो अपने घर में भी जो है वो इन्फोर्स करने की करते हैं कि सिखाने की करते हैं बच्चों को। मैंने मेंशन किया था कि कैसे मियाँ बीवी जो है वो घर में अपने काहिन है तो मियाँ बीवी जो है औरत के लिए जो है वो बिरकात कोहिनीम यानी कि लोगों को या कलीसिया को बरकत देना। जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सी जो औरतें जो हैं उनको उनका ये कहना है कि खुदावन ने जो है वो औरतों को जो है वो मर्द के बराबर जगह दी हुई है सो इस वजह से जो है जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती हैं। सो बहुत सी औरतें जो हैं वो अपने आप को इन तमाम बातों में साबित करने के लिए जो है वो कदम भी उठा लेती हैं जो कि वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक है। सो जो मेरी समझ है जिस तरह से मैं कलाम मुकद्दस को समझती हूँ मेरे हिसाब से ये वाली बात जो है ये बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि खुदावन ने ये जिम्मेदारी जो थी ये बेटों को दी थी मर्द को दी थी। बनी इसराइल को यानी कि कलीसिया को जो है वो बरकत की दुआ देना वो जो है वो काहिनों की जिम्मेदारी है। मगर जब वही बात के मैं आपको फिर कभी जो मैं ये जरूर बताऊंगी क्योंकि जैसे कलाम मुकद्दस में ही जो है हम जो है वो पढ़ते हैं कि खुदावन ने जो है अपने लोगों को जो है वो शाही फिरका पुकारा है काहिन पुकारा है अपना काहिन पुकारा है। बेसिकली जो है अगर जब रैबाई जो है या यहूदी दानिश्वर जो है वो बात करते हैं कि जिनके मियाँ बीवी जो है वो अपने घर के काहिन है तो अगर के वो जो है वो अपने बच्चों को जो है ये बिरकात कोहेनीम हर शबात जो है वो दे सकते हैं या जो इवन के जो मॉर्निंग प्रेयर्स बेसिकली होती है तो बिरकात कोहेनीम जो है वो उसका हिस्सा है। तो लेकिन बात जो है वो वही आ जाती है कि औरतें जो है उनको थोड़ा बहुत जो है वो सोचने समझने की जरूरत है कि आप बहुत सी बातों में जो है वो जरूर कह सकती हैं कि खुदावन ने जो है वो मर्द और औरत को जो है वो बराबर बनाया है राइट। लेकिन हर एक चीज पे जो है अपना अपने आप को साबित करना भी जो है वो मुनासिब नहीं है क्योंकि खुदावन ने जो है एक जो जिस तरह से अख्तियार जिस तरह से रखा हुआ है या जिस तरह से जो जिन बातों को जो है जिन बातों के बारे में जो है वो हुक्म दिया हुआ है तो बास औरतों के लिए या इवन के मर्दों के लिए भी उस हुक्म को सिर्फ मानना ही ये आ जाता है कि नहीं कि मैं खुदावंद के अंडर हूं मैं खुदावंद की जो मर्जी है मैं अपनी जिंदगी में मैं उससे मुत्तफिक हूं और मैं अपने खुदावंद की बात पर जो हूँ वो अमल करना चाहती हूँ। सो मेरे हिसाब से जो है वो ये वाली बात है। मुझे जो है मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है कि अगर मैं जो हूँ मैं क्लीसिया को जो हूँ वो बरकत नहीं दे रही हूँ या बरकत की दुआ जो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी चर्च ने जो था वो एक दफा इनवाइट किया था बोलने के लिए
और जो पास्टर जो थे उन्होंने मुझे कहा कि मैं बरकत की दुआ दूँ। उन्होंने मुझे जब कहा कि मैं कलीसिया को जो बरकत के कलमात मैं एंड में बोलूं, तो मैंने जो था मैंने इनकार कर दिया था। क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि ज्यादातर चर्चेस के जो हैं वो अपने वो जो जो रवायती दुआ जो वो बोलते हैं वो उसकी बात कर रहे थे। मगर मैंने इस वजह से नहीं इनकार किया था कि मुझे किसी को दुआ देने में शर्म महसूस होती है, बल्कि इसलिए कि जिस मकसद के लिए खुदावन ने अपने बेटों को चुना हुआ है, तो या जो हुक्म खुदावन ने अपने बेटों को दिया हुआ है, तो उसमें जो है मुझे जो है वो किसी तरह से जो है वो मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। यहूदी उलमा जो है वो जो है वो औरतों को जो है बेसिकली बरकाते कोहनीम यानी कि कलीसिया के तौर पर जो है वो उसमें उस तरह से बोलने से जो है वो मना करते हैं। और यही जो टीचिंग जो है ये हमें पौलुस रसूल के खतूत में भी जो है वो जरूर नजर आती है कि अगर औरत जो है वो सीख रही है या वही बात आ जाती है कि अगर खामोश रहने का जो हुक्म है तो वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। बहुत सी बातें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनको हमें जरूर सोचना समझना चाहिए। जहां तक बात आ जाती है बिरकाते कोहिनीन की, मैं जरूर आपको कहूंगी एक्चुअली अगर आप मेरे साथ जो है गिनती की किताब उसका छठा बाब और मेरे साथ जो है मैं 22वीं आयत से जो हूँ मैं आपके साथ पढ़ूंगी, इसको मेरे साथ देखें। नंबर्स चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 22 एंड इट सेज, और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंत अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंत अपना चेहरा तेरी तरफ मतवजा करे और तुझे सलामती बख्शे, इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। बाय द वे मैं इस बात को क्लियर करती जाऊं कि यहाँ पर कि वो इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें, सो यहाँ पर जहाँ पर कलामे उर्दू कलामे मुकद्दस में खुदावंत लिखा हुआ है, सो अबरानी कलामे मुकद्दस में जो है वो युद हे वाव हे है। मैं आपको बताने के लिए जो हूँ दोबारा से बता देती हूँ कि युद हे वाव हे से उर्दू में जो है वो यह वा बनता है, जो कि हमें उर्दू कलामे मुकद्दस में जो है कुछ जगहों पर जो है वो लिखा हुआ नजर भी आता है। मगर इस नाम को जो है वो बहुत पाक माना जाता है और इसको जो है वो अपनी जुबान पर उस तरह से नहीं लेकर आया जाता है, और उसकी वजह जो है जो वॉल पैटर्न है वो भी है। और फिर दूसरी बात जो है वो वही आ जाती है कि जब तक हैकल मौजूद थी तो काहिन जो थे वो दुआ देते वक्त जो था वो खुदावन के पाक नाम को बोलते थे, मगर आम लोग जो थे वो उस तरह से जो था वो नहीं बोलते थे। और वैसे भी हैकल में तो बोला जाता था लेकिन ऐसे जो है वो उसको नॉर्मल रूटीन में जो था वो उसको नहीं बोला जाता था। तो खुदावंत का खुदावंत के नाम में जो है वो बनी इसराइल को बरकत देना, इवन के अगर आप उनके हाथों को के हाथ को जो है वो उठाकर, और अगर हम जो है वो खुरूज की किताब का में देखें एक बार में देखें तो हमें जो है वो लिखा हुआ जो है वो नजर आएगा कि मेरे जेन में जो है अभी वो आयत जो है वो नहीं आ रही, मगर मेरा ख्याल में एबार की किताब में है कि हारून बुजुर्ग हारून ने जो था वो अपना हाथ उठाकर जो था बनी इसराइल की तरफ जो था वो रुख करके जो था वो उनको बरकत की दुआ दी। वो जो हाथ उठाकर, हाथ उठाने का भी जो है वो खास पैटर्न है, वो जिस तरह से अपने हाथ को जब जब उठाते हैं
तो वो अपने हाथों की उंगलियों से जो है अबरानी में जो है वो शिन बनाते हैं, सो जो कि अबरानी हरफ है। अगेन मैं बहुत सी बातों की गहराई में जो हूँ वो मैं नहीं जा सकती हूँ, मगर ये है कि जो जो काहिन जो होते थे वो अपने सर को जो था वो अगर इवन आप आज भी जो है वो अगर कोटल पे जाए दीवारे गिरिया की तरफ पे जाए वेलिंग वॉल जिसको बोला जाता है, तो आपको जो है वो वहां पर ढेरों ढेर ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो है वो नजर आएंगे जो कि जब बरकात कोहेनीम देते हैं तो वो आपको नजर आएगा कि उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल ढका हुआ है। उनके वो ढका हुआ से मुराद ये है कि जो दवाइया चादर जो है वो अपने जब सर पर लेते हैं तो जो यहूदी मर्द जो कि अपने बच्चों के साथ उधर मौजूद हैं तो वो जो है वो अपने बच्चों को जो है वो उस तालीत के दवाइया चादर में जो है वो उनको कवर कर लेते हैं। और फिर जब वो दुआ बरकत की जो दुआ जो है वो बोलते हैं तो अब जो है वो उस तरह से जो है वो इस नाम को जो है वो नहीं बोलते हैं, मगर ये है कि वो इस दुआ को जो है वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो जो शिन जो है वो हाथ उठाकर जो है जो ये जो हाथ को उठाना और वो जो शीन का जो साइन जो है दोनों को हाथों से जो है वो जरूर बनाकर तो लोगों की तरफ को जो है वो रुख करते हैं। बहस करने को और इस बरकात कोहिनीम के ऊपर बात करने को जो है वो बहुत बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं चंद एक वेल मेरे पास अब जितना टाइम रह गया है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं इसके ऊपर बात करूंगी। मैं आपके साथ तीन आयात को जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ताकि आप जो है वो उसके बारे में जो है वो खुद भी सोच सकें। अगर आप मेरे साथ जो है याकूब का खत और उसके पहले बाप की 17वीं आयत को देखें तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 लिखा हुआ है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। मुझे ये वाली आयत जो थी मैं बेसिकली जो था मैं ऐसे ही बिरकाते कोहिनीम से मुतालिक जब मैं अपने इस मैसेज को के बारे में सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर बात करती हूँ तो मैं ब्लेसिंग के लिए जो था बेसिकली वर्सेस को मैं जब देख रही थी तो मेरी नजर जब इस वर्स के ऊपर पड़ी तो मुझे ये वाली वर्स जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात जो है उसमें जो है वो ये खास मेंशन है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है, राइट? ये हमें खुदा की तरफ से बरकत मिलती है। खुदावंद जो है वो जिसे चाहे बरकत देना चाहे वो उससे बरकत देते हैं। काहिन जो है वो बेशक बरकत जो है लोगों के लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं, और अगर आप यहूदी दानिश्वरों की जो है वो इसकी ऊपर तालीम को पढ़ेंगे तो वो जो है वो जरूर बात करने की करेंगे कि काहिन जो है उसका किरदार जो है वो अच्छा होना चाहिए कि वो जो है वो जब लोगों के लिए बरकत की दुआ मांगे वो जो है वो रहम से भरे हुए हों ताकि खुदावंद के नाम में दी जो दुआ जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा पुर असर हो। मगर बात जो है वो ले दे के जो है वो यही आ जाती है कि खुदावन जिसको बरकत देना चाहे खुदावन जो है वो उस शख्स को जो है उस कौम को जो है या अपने लोगों को जो है वो बरकत जरूर देंगे, राइट? कुछ बरकतें जो है वो ऐसी हैं कि जिसके बारे में जो है वो मैं मुख्तसरन सा जो हूँ मैं आपको यूं कह सकती हूँ या मैं उसकी मिसाल जो है वो मैं यूं दे सकती हूँ कि अगर मैं जो हूँ मैं एक अमीर खानदान में पैदा हुई हूँ तो अमीर खानदान के नाम के साथ जो इज्जत जुड़ी हुई है, जो दौलत जुड़ी हुई है वो मेरी मिरास बन जाती है, ठीक है?
मेरा जो है, मेरा उसमें जो है मेरे अपने किरदार का जो है ऑब्वियसली उस तरह से जो है वो कोई मैंने उसके लिए जो है वो किसी किस्म की मेहनत नहीं की है, राइट। सो मैं उस बरकत की जो हूँ, चूंकि मेरा खानदान अमीर है, मेरे खानदान के पास दौलत है, तो मैं जो हूँ मैं उसमें राज का हिस्सा बन गई हूँ। सो कुछ बरकतें जो हैं वो ऐसी हैं कि चूंकि हम खुदावन के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो बरकतें जो हैं वो हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लेकिन कुछ बरकतें जो हैं वो ऐसी हैं कि हमें जो है अपने आप को जो है वो अपने आप को जो है वो साबित करना है। यानी कि जैसे कि मैं अपने बच्चों को जो हूँ, मैं उनकी तमाम जरूरत की चीजों का ख्याल रखती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को जो है वो ये खरीद के देना है, अच्छी चीजें देनी है, क्योंकि वो मेरी औलाद है। और बास का जो है, अगर मेरे बच्चे जो हैं वो फरमा बरदार हैं और वो अगर कुछ ख्वाहिश करते हैं, तो बास का जो है वो मैं उनको जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो हूँ वो मैं दे देती हूँ अगर वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं। सो बास बरकतें जो हैं वो ऐसी ही हैं कि जब हम जो हैं वो खुदावन से उन बरकतों को मांगते हैं, तो खुदावन जो है वो हमारी फरमा बरदारी को देखते हैं। वो खुदावन जो है वो ये देखते हैं कि हम कितने को जो है वो नाफरमा बरदार हैं या फरमा बरदार हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो ये भी देखते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुनासिब है, क्या नहीं मुनासिब है, और उसके मुताबिक खुदावन जो है वो हमें बरकत देते हैं। मेरे साथ जो है पहला ये होना, अगर आप उसकी 5वें बाप को देखें, तो 5वें बाप की 18वीं आयत, तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, First John chapter 5 verse 18, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता है। ठीक है। जैसे मैंने अपने बच्चों के बारे में जो है वो बात की है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, राइट। यहाँ पर जो है वो आपके जो अमाल जो है कि गुनाह अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप खुदावन के फरमा बरदारों में से हैं, क्या आप खुदावन के नाफरमा बरदारों में से हैं? डेफिनेटली अगर आप गुनाह में हैं तो आप नाफरमा बरदारी कर रहे हैं, राइट। ये वाली जो है जो मैंने एग्जाम्पल दी थी, मिसाल दी थी, मेरे ख्याल में आपको जो है वो मिसाल जो है वो समझ में आ रही है। एक आखिरी आयत जो है वो मैं आपके साथ और शेयर कर देती हूँ, मेरे साथ दूसरा करंथियों उसके 9वें बाप की 8वीं आयत को देखें, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदावन जो है वो हमें बरकत देना चाहते हैं, मगर खुदावन जो है वो हमें क्यों बरकत देना चाहते हैं, राइट। ये जो था, ये मेरा, मैं जो जिस तरह से मैसेज देना चाह रही थी, तो ये मेरा जो है बेसिकली ये मेरा वो पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप खुदावन की बरकतों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना चाहते हैं। कुछ बरकतें जैसे मैंने बयान किया कि ऑटोमेटिकली हमारी हैं, कुछ बरकतें जो हैं वो खुदावंत हमें इसलिए देना चाहते हैं कि हम जो है नेक काम करके जो है वो खुदावंत के नाम को वो जलाल देना चाहते हैं। आप जो है वो खुदावंत की बरकतों के हकदार हैं, क्योंकि आप जो है आपने जो है वो अपने आप को खुदावंत के साथ जोड़ा है। खुदावंत के अपने पाक नाम की वजह से जो है वो आपको बरकत देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें जो है वो कंडीशनल है। अगर आप फरमा बरदार हैं, ना फरमा बरदार हैं, क्या आप जो है अपनी बरकतों को जो है नेक कामों में इस्तेमाल करते हैं, दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हद तक रखना चाहते हैं? खुदावन जो है वो हमें बरकत देना चाहते हैं। ये खुदावन की ख्वाहिश है जो कि खुदावन के इस कलाम से जो है वो साफ जाहिर है।
मेरी खुदावंत से जो है वो जरूर आपके लिए दुआ है कि खुदावंत खुदा जो है वो आप पर अपनी बरकतों को नवाजें और खुदावंत खुदा जो है आपको बताएं कि आप किन चीजों के हकदार हैं और किन चीजों के हकदार नहीं हैं। खुदावंत खुदा आपके साथ हो, खुदावंत ने चाहा तो अगली दफा हम अगले तोरा पाशोद के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मशीहा।